निर्जर हत्याकांड मामले में भारत और कनाडा के बिगड़े रिश्ते, भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित किया। निर्जर हत्याकांड मामले में कनाडा की ट्रूडो सरकार ने भारत पर लगाए आरोप, भारत ने कनाडा के आरोपों को सिरे से किया खारिज, कहा ट्रूडो सरकार के आरोप राजनीतिक एजेंडा और वोट बैंक के लिए। कनाडा के बयान के बाद भारत ने उच्चायुक्त और कुछ राजनयिकों को वापस बुलाया, विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब कर आरोपों पर नाराजगी जाहिर की। यूपी के बहराइच में बवाल के बाद इंटरनेट सेवा पर बैन, बेकाबू भीड़ ने घरों दुकानों में की तोड़फोड़, 30 आरोपी हिरासत में लिए गए। बहराइच के पीड़ित परिवार से सीएम योगी आज करेंगे मुलाकात, सुबह 11 बजे लखनऊ में पीड़ित परिवार से मिलेंगे सीएम योगी। बहराइच में बवाल पर अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह सच में पुख्ता इंतजाम करे सरकार। कांग्रेस ने भी बहराइच में हुए बवाल पर राज्य सरकार को घेरा, कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा योगी सरकार फेल हो गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मूर्ति विसर्जन के समय दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प, दो पक्षों के बीच चले चाकू, कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। बिहार के पूर्वी चंपारण में मां दुर्गा पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर मां दुर्गा पर की थी अभद्र टिप्पणी। हैदराबाद में मुतलमा मंदिर में देवी की प्रतिमा से तोड़फोड़ की खबरों के बाद इलाके में तनाव, लोगों ने किया विरोध, शांति बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुणे से गिरफ्तार आरोपी प्रवीण लोढ़कर 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजे गए, चौथे आरोपी की भी हुई पहचान। बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी वाले पोस्ट की जानकारी जुटाने में लगी पुलिस, फेसबुक और इंस्टाग्राम से मांगी गई जानकारी। बाबा सिद्दीकी के हमलावर मुंबई के कुर्ला में एक मकान किराए पर लेकर रुके थे, चारों एक मकान में ठहरे हुए थे। महायुति के बीच अंतिम चरण में सीट शेयरिंग पर फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर, शिवसेना शिंदे गुट को 72, अजीत पवार गुट को 60 के करीब मिल सकती है सीट, बची हुई 158 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। महायुति की आज दोपहर 2:30 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महायुति में अंतिम चरण में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत। एनसीपी के चिन्ह पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, शरद पवार की सुप्रीम कोर्ट से अपील, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत पवार को घड़ी के चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करने का दिया जाए आदेश। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की आज और कल बैठक, दिल्ली में होगी महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग। महाराष्ट्र के अलावा झारखंड बीजेपी की ओर कोर कमेटी की आज दिल्ली में बैठक, उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को लेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ, प्रमुख सचिव मनदीप भंडारी ने सरकार बनाने के लिए उमर अब्दुल्ला को राज्यपाल की ओर से आमंत्रण पत्र सौंपा। पीएम आज नई दिल्ली में आईटीयू वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का उद्घाटन करेंगे, भारत मंडपम में सुबह 10 बजे कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 76 RR 2023 बैच के ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों से करेंगे बातचीत, दोपहर 2:30 बजे नई दिल्ली में कार्यक्रम होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय एससीओ सम्मेलन के लिए आज पाकिस्तान होंगे रवाना, 16 अक्टूबर को स्वदेश के लिए करेंगे वापसी। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का बड़ा तोहफा, आज से फ्री हुए मुंबई से जुड़े सभी 5 टोल नाके, हल्की गाड़ियों के लिए नहीं लगेगा टोल टैक्स। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से ग्रैप वन लागू, सरकार ने 1 जनवरी तक पटाखों पर लगाया बैन, इस साल भी दिवाली और नए साल के जश्न में दिल्ली में लोग नहीं करेंगे आतिशबाजी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक से मारपीट के आरोपियों का पार्टी से निष्कासन, आरोपी अवधेश सिंह के खिलाफ केस भी होगा दर्ज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिए कड़ी कार्रवाई के आदेश। झारखंड में सुरक्षा बल ने नक्सलियों की साजिश की नाकाम, कोल्हान के जंगल में सुरक्षा बल को मिले 5-5 किलो के 2 IG बम, सुरक्षा बल ने बम को नष्ट किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर से भड़के लोगों ने आरोपी का घर जलाया, गुस्साई भीड़ ने मौके पर पहुंचे एसडीएम को दौड़ाया, कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या से भड़के लोग। 2024 की दूसरी तिमाही में रिलायंस जियो इन्फोकॉम का नेट प्रॉफिट 23% बढ़ा, रिलायंस जियो इन्फोकॉम का रेवेन्यू 14.5% बढ़कर 28,338 करोड़ हुआ। मशहूर एक्टर अतुल परचुरे का निधन, 57 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जताया दुख। यूपी के हाथरस में बढ़े वायरल फीवर, डेंगू और मलेरिया के मामले, हाथरस में 24 घंटे में वायरल फीवर से 3 लोगों की मौत, पिछले 11 दिन में बुखार और उल्टी दस्त से 13 लोगों ने दम तोड़ा। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिरा, बाईपास निर्माण के समय हुई घटना। मुंबई के मलाड में रोडरेज में एक युवक की पीट पीट कर हत्या, पुलिस ने 9 लोगों को हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार, माता पिता बेटे को बचाने की गुहार करते रहे लेकिन भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया।
यूपी के हरदोई में दो ट्रकों में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बताई गई आग लगने की वजह। यूपी के प्रतापगढ़ में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी दुकान से टकराई, हादसे में एक घायल। यूपी के कुशीनगर में दो गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी, पथराव को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के झाबुआ में 168 करोड़ की ड्रग्स के साथ पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के पन्ना में 10 से ज्यादा लड़कों ने एक युवक के घर पर किया हमला, मामूली विवाद में वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल स्मार्ट पार्किंग के बाहर जमकर हुई मारपीट, फूल प्रसाद बेचने वाले और अवैध पार्किंग वसूली करने वालों के बीच हुई झड़प। यूपी के जालौन में चोर ने लाखों के माल पर किया हादसा, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई चोरी की पूरी वारदात। यूपी के अमेठी में एक बुजुर्ग के घर में घुसकर कुछ लोगों ने की डंडों से पिटाई, बुजुर्ग पर नाबालिग बच्ची से दुर्व्यवहार कर आरोप। पटना में बदमाशों ने तलवार से एक युवक पर किया हमला, घटना में लड़के की मौत, जानकारी के मुताबिक मामूली विवाद में बदमाशों ने युवक पर तलवार से किए वार। देहरादून में सरयाम घर के बाहर ठहर रहे बुजुर्ग के साथ लूटपाट की कोशिश, बुजुर्ग की पत्नी ने छुड़ाए बदमाशों के पसीने। इसराइल ने हिजबुल्ला पर फिर की एयर स्ट्राइक, हमले में 18 लोगों की मौत, 4 लोगों के घायल होने का दावा। लेबनन पर इसराइल के हमले जारी, इसराइल के हमलों की वजह से लेबनन के कई शहरों में बची भारी तबाही। इसराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू का हिजबुल्ला के हमलों पर बड़ा बयान, कहा हिजबुल्ला पर जारी रखेंगे हमले। इसराइल की मिलिट्री बेस पर हिजबुल्ला के लड़ाकों का हमला, खाना खा रहे 4 सैनिकों की मौत, पोर्ट ऑफ पोर्ट सिटी हाइफा पर लगातार रॉकेट बरसा रहे हैं हिजबुल्ला के लड़ाके। इसराइल ने तेल अबीब में हिजबुल्ला के हमले को किया नाकाम, आयरन डोम ने आसमान में ही नष्ट किया टारगेट। इसराइल पर हमले को लेकर ब्रिटेन का ईरान पर एक्शन, ब्रिटेन ने ईरान के सैन्य संगठनों उनसे जुड़े लोगों पर प्रतिबंध लगाया। पाकिस्तान में एससीओ की बैठक से एक दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस मुख्यालय पर आतंकी हमला, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने बरसाई गोलियां, हमले में 5 पुलिस वालों और 5 आतंकियों की मौत। चीन की सेना ने ताइवान के करीब शुरू किया संयुक्त युद्ध अभ्यास, आर्मी एक्सरसाइज में चीन की सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स भी शामिल।